अराली विधानसभा उपचुनाव के आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस ने दिखाया अपना दमखम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ताबड़तोड़ जनसभाएं कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। कनखल थाना पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की संयुक्त कार्रवाई, किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। वहीं ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने एक होटल के कमरे से 5 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। नगद 19,000 रुपए के साथ मौके से लैपटॉप, पेन ड्राइव और 7 मोबाइल फोन किए बरामद। और रुड़की के नारसन में जमीनी विवाद का मामला गहराया, छात्रों के साथ कई किसान यूनियन भी आए सामने, चीनी मिल मालिक को दी चेतावनी। सितारगंज के सरकड़ा चौकी पर पुलिस ने लगाई चौपाल, एसएसपी ने जनता की परेशानियों को लेकर पुलिस प्रशासन को दिए दिशा निर्देश। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम हरिद्वार पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज रात्रि विश्राम हरिद्वार के राज्य अतिथि गृह में करेंगे। सोमवार सुबह 7 बजे हर की पौड़ी पर गंगा पूजन करने के बाद योगी होटल अलकनंदा के पास बनने वाले उत्तर प्रदेश पर्यटन आवास गृह का शिलान्यास करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर हरिद्वार में तैयारियां तेज कर दी गई हैं, सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। होटल का शिलान्यास और भूमि पूजन होना है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, सब जैसी सुरक्षाएं होती हैं, जैसी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था होती है, वो सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में देश के प्रथम प्रधानमंत्री की स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने स्वर्गीय नेहरू के जीवन पर बोलते हुए कहा कि नेहरू सच्चे देशभक्त थे, उनके नेतृत्व में देश ने नए आयाम कायम किए हैं और आज देश की आज़ादी के लिए कई सालों तक स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को जेल भी हुई, साथ ही देश को आगे बढ़ाने की आधारशिला भी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखी थी। आज इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि को जो है पूरे देश और दुनिया में लोग मनाने का काम करते हैं, उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के अंदर भी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि को का मनाने का काम सभी कांग्रेस के साथियों ने किया है। और जैसा कि आप सब विदित हैं कि इस राष्ट्र के निर्माण में, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया और कई वर्षों तक वो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी गए और आज़ादी के बाद उन्होंने इस देश की बाग को संभालने का काम। तो मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीते शनिवार को कांग्रेस ने उसे विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। तो कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने विदेश में घूमने के अलावा जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो मोदी सरकार ने जनता को झूठे वादे करके गुमराह करने का काम किया है। तो कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के विकास के लिए बचे 1 साल में विकास करने की सलाह दी। तो कांग्रेसियों का कहना है कि अगर उनसे सत्ता नहीं संभाली जा रही तो पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नगर अध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है और चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जो वादे किए थे उन पर वो खरा नहीं उतर पाए, तो आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है जिसे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मोदी जी को घूमने के अलावा कोई काम नहीं है, मोदी जी को प्रधानमंत्री ना बनकर विदेश मंत्री बनना चाहिए था, तो आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार होगी। तो ये कहना है कांग्रेसियों का। मोदी के 4 साल के विरोध में विश्वासघात दिवस, 4 साल जनता हुई बेहाल, उसे लेकर हम लोग कांग्रेसजन प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस तरह की महंगाई
और मोदी जी को सिर्फ घूमने के अलावा कोई नहीं। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आज नौजवान, किसान, व्यापारी, हर वर्ग परेशान है। माननीय मोदी जी, विदेश जाने की बजाय आप देश पर ध्यान दें। आपका एक साल बचाया, चार साल आपने देश के खराब कर दिए जो अमूल्य साल हैं। अब एक साल में आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं वो थोड़ा करके दिखाएं, क्योंकि 2014 से पहले जब ये लोग प्रचार करते थे तो कहते थे। चमोली के थराली विधानसभा उपचुनाव के आखिरी दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की। सीएम ने थराली विधानसभा के घाट देवाल के बाद नारायण बगड़ के भगौती गांव में जनसभा की। वहीं कांग्रेस में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन फुल फॉर्म में नजर आई। देखिए एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर विधायकों और मंत्रियों ने थराली उपचुनाव को लेकर थराली के गांव-गांव में डेरा डाल रखा है। थराली उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने दर्जनों दिग्गज नेताओं के साथ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि थराली के मतदाताओं का मत विधायक को नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाएगा और मुख्यमंत्री थराली विधानसभा के विकास के लिए पूरी तरह से गंभीरता से काम कर रहे हैं। मैंने तो फैसला कर लिया है कि वो 2017 को दोहरा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस बार जो हमारी प्रत्याशी है मुन्नी देवी जी, वो भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीत कर आने वाली है। जिस तरह जनता का उत्साह दिखाई दे रहा है, जनता का जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, मुझे लगता है कि इस बार यहाँ का चुनाव जो है एक तरफा होने जा रहा है। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ यहाँ के जनता के उत्साह को देख करके, और मैंने तो यही अनुरोध आज तीनों सभाओं में किया है कि आप विकास के लिए वोट दीजिए, सरकार आपके साथ में है। ये वोट आपका केवल मुन्नी देवी के लिए नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री के लिए भी वोट होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी थराली विधानसभा की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। थराली विधानसभा में इसे ले पूरा संगठन जी जान से लगा है, जिसका परिणाम सकारात्मक ही आएगा। प्रतिशत थराली सीट को हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। स्वयं मैं 10 दिनों से यहां पर हूं, हमारे माननीय मंत्री धन सिंह जी इसके प्रभारी 1 महीने से यहां पर हैं, इसी तरह से अन्य हमारे कार्यकर्ता यहां पर हैं। यद्यपि हमने और लोगों को नहीं बुलाया, काफ़ी लोग बिना बुलाए भी आ गए थे, हमने उनको लौटा दिया था बीच में। जो जनता का प्यार, स्नेह, दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों में हमको जाने का अवसर मिला, जिस कदर माताएं बहनें टूट के सुनने के लिए आ रही थी और उनके चेहरे के जो भाव थे वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मुन्नी देवी के पक्ष में। देखिए, हमारे पास इस समय 56 विधायक हैं, 2/3 बहुमत की हमारी सरकार है, लेकिन एक विधवा यहाँ से चुनाव लड़ रही है और हमारे विधायक की अकस्मात मृत्यु हो गई, हम उनको बचा नहीं पाए, इसलिए हमने एक मातृशक्ति को, एक विधवा को जो है प्रतिष्ठा से इसलिए जोड़ा कि पहली बार आज़ादी के बाद थराली और पूरे चमोली ज़िले में किसी महिला को किसी पार्टी ने टिकट दिया है और महिलाओं को सम्मान से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी से चुनाव को लिया है। वहीं कांग्रेस ने भी थराली उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए एरी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री और विधायकों ने गांव-गांव में जमावड़ा लगाया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी ने थराली उपचुनाव में सरकार का दुरुपयोग किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, कांग्रेस पार्टी ने विकास किया और विकास के नाम पर सरकार जीतेगी। ऊपर का कार्यकाल हो गया है और इस कार्यकाल में सरकार द्वारा कोई विकास का कार्य थराली विधानसभा में नहीं किया गया है और इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भी परेशान हैं, उनके मंत्री परिषद के लोग भी परेशान हैं और गांव में जाकर के मंत्री लोग जो है जिस भाषा में गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, यदि आपने वोट नहीं दिया तो हम आपका विकास नहीं करेंगे, ये बहुत गंभीर विषय है। और आज मैं कहना चाहता हूँ, सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के मद में मदमस्त हैं और निश्चित रूप से
धनबल पर, शराब के बल पर जो है वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन थराली की जनता 2012 से 2017 के बीच में जीतराम जी ने और कांग्रेस ने जो विकास के कार्य थराली विधानसभा में किए हैं, आज थराली की लोग उसको याद करते हैं। थराली उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि थराली के इस रण में जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। सितारगंज के सरकड़ा चौकी के अंतर्गत गांव मलपुरी में पुलिस की चौपाल लगाई गई, जिसमें एसएसपी उद्धम सिंह ने सभी की समस्याओं को सुना और जल्द उनके निस्तारण का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि एसएसपी के साथ एसडीएम सितारगंज विजयनाथ शुक्ल और कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, तो एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को तुरंत जनता की जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। और सितारगंज में हुई पुलिस चौपाल में नशे से संबंधित शराब, स्मैक व भूमि सहित शहर की अलग अलग समस्याएं भी सुनी। पुलिस चौपाल लगी गई थी, इसमें पुलिस और बाकी प्रशासनिक अधिकारी भी थे, प्रशासन की तरफ से एसडीएम थे। बहुत अलग अलग तरीके की शिकायतें जनता द्वारा यहाँ पर बताई गई, उसमें सबसे मेन शिकायतें जो यहाँ पर नशे की, ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स की और कच्ची शराब आदि की थी। कुछ ज़मीनों के मैटर्स भी थे। ये जो सामूहिक समस्या थी उनको सभी को बताया गया कि हम लोग एक्सीडेंट रोकथाम के लिए, नशे की रोकथाम के लिए प्रयासरत हैं। कुछ सुझाव भी आए ग्राम प्रधान संगठन की तरफ से। तो जीआईसी बाड़ा की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी ने किया। इस दौरान विद्यालय को प्रथम पुस्तिका दर्पण का भी विमोचन किया गया। जनपद के अति दूरस्थ विद्यालय में पहली बार रजत जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम में जहाँ बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं से पूरे जनमानस को घंटों बैठने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं रंगारंग कार्यक्रमों का भी सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। रूप से ये पहली बार इस विद्यालय में वार्षिक दिवस मनाया जा रहा है, और क्योंकि मैं इस विकासखंड का क्षेत्र पंचायत प्रमुख हूँ और मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं इस क्षेत्र में समय समय पर विद्यालयों में, समय समय पर क्षेत्र की समस्याओं में तत्पर रहूँ, और इस कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ पे विद्यालय के राजकीय इंटर कॉलेज बाड़ा का जो आज वार्षिकोत्सव हुआ, पिछली बार भी मुझे इस विद्यालय में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और उस दौरान यहाँ पे बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए वो बहुत ही स्तरीय कार्यक्रम थे, और बाद में मुझे पता चला कि प्रदेश। तो रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए है रे मुसाफिर, मेरे उतरा खंड में बादलों की ओर पे लोरनी वादियां गीत सुनाए है मीठे मीठे मेरे उतरा खंड में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। दिगंबर जैन धर्मशाला में जैन समाज के लोगों की बैठक हुई, जिसमें धर्म से जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बैठक में लगभग 300 लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष नेमचंद जैन ने न्यायालय में चल रहे समाज के विभिन्न मुकदमों के बारे में सभी को बताया, साथ ही इसके क्या क्या परिणाम आए और आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, उन सबकी भी जानकारी सभी लोगों को दी गई। तो उनके बारे में पूरी समाज को हमने बताया कि भाई ये केसेस चल रहे हैं और ये इसके परिणाम अभी तक हुए हैं, तो आगे जो केस चलेंगे तो समाज उसके बारे में पूरी तरह से अवगत रहे, क्योंकि बहुत सारे समाज के लोगों को पता नहीं था कि ऐसे कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। हमारी एक संस्था जो है उसने अपने आप को अलग डिक्लेयर कर दिया, तो हमने कहा समाज से अलग कैसे हो सकते हैं, समाज से अलग कोई नहीं हो सकता, समाज एक ही रहेगा। ये जो हमारा एक तो मंदिर है यहाँ पंचायती मंदिर जो पूरे जैन समाज का,
उत्तराखंड रामनगर बोर्ड परीक्षाओं में एक बार फिर रुद्रप्रयाग जिले ने प्रदेश में अपना परचम लहराया। सरस्वती विद्या मंदिर उखीमठ के जतिन पुष्पवाण ने हाईस्कूल में तीसरी रैंक हासिल की है और रोशन पवन ने चारवीं रैंक हासिल की है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड रामनगर बोर्ड में रुद्रप्रयाग जिले का हर साल दबदबा रहता है। हर साल मेरिट सूची में रुद्रप्रयाग जिले से करीब 10 से 12 छात्र छात्राएं स्थान प्राप्त करते हैं। इस साल भी जिले के 10 छात्र छात्राओं ने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है। जिले में सबसे अधिक दबदबा माई गोविंद गिरी सरस्वती विद्या मंदिर बेलनी के छात्रों का रहा। इस साल भी विद्या मंदिर बेलनी के 7 छात्रों ने टॉप 25 में स्थान हासिल किया है, जिनमें से हाईस्कूल के राहुल विश्व ने 487 नंबर प्राप्त कर चौथा स्थान, प्रेरणा सेमवाल 477 अंक के साथ 14वीं रैंक, अमन जग्गी ने 476 अंक के साथ 15वीं रैंक, ईशा रावत ने 469 के साथ 22वीं रैंक, रोहित नेगी ने 467 अंक के साथ 25वीं रैंक हासिल की है। जबकि इंटरमीडिएट में पूरे जिले में अकेले इसी स्कूल के जयदीप जगवान ने 24वीं रैंक लेकर जिले का नाम रोशन किया है। मेधावी छात्र छात्राएं इस मुकाम को हासिल करने का श्रेय अपने माता पिता और अपने अध्यापकों को दे रहे हैं। सर अच्छा लग रहा है और यही आशा रहेगी कि इंटरमीडिएट में भी अच्छा करूं। अच्छा नहीं, जैसे कहा था कि इंटरमीडिएट में टॉप वन पे देखेंगे, इस समय में मेरे को उम्मीद थी कि क्या पता मैं टॉप वन पे आऊं, लेकिन उस कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन मैं अपने आचार्य लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इंटरमीडिएट में ज़रूर मैं कोशिश करूंगा कि टॉप वन पे रहूं और आगे मैं DRDO में जाना चाहूंगा, जहां से मैं APJ अब्दुल कलाम को फॉलो करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को जिस मुकाम पर पहुँचाया है, मैं अपने देश को दुनिया की सुपर पावर बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अपने टीचर्स को, अपने माता पिता को, प्रधानाचार्य जी और मेरे जो प्रधानाचार्य जी लोग थे पुनाड़ के, उन सभी को अभिनंदन, उनका आभार प्रकट करता हूँ। उधर अपने बच्चों के इस प्रदर्शन से परिजन और अध्यापकों में काफी खुशी है। विद्या मंदिर बेलनी के प्रधानाचार्य ने कहा कि हमारे शिक्षकों के कड़े परिश्रम और समर्पण का ही ये नतीजा है कि आज पुनः स्कूल ने प्रदेश में इस जिले का नाम रोशन किया है। मुझे ये कहने में बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे विद्यालय से 5 भैया बहनों ने हाई स्कूल में टॉप 25 में स्थान प्राप्त किया है और एक भैया ने 24वीं रैंक उसकी इंटरमीडिएट में आई है, तो टोटल मिलाकर के 6 छात्र छात्राओं ने टॉप 25 में स्थान प्राप्त किया। अच्छा महसूस हो रहा है, हमारे इसका जो श्रेय है मैं पूरे अपने आचार्य परिवार को दूंगा, अपने विद्यालय परिवार को और अपना जो प्रबंध तंत्र है, विद्या भारती है, सबकी प्रेरणा से जो है ये मुकाम इस बालक ने हासिल किया है। मैं राहुल बिष्ट की मम्मी हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ के सब टीचरों को बधाई देना चाहती हूँ और क्या बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा इस मुकाम तक पहुँचा है और जो इसकी इच्छा है मामा सरस्वती का भी अभिनंदन करती हूँ कि मुझे बहुत विश्वास है माँ शारदी पे और माँ शारदी इसको आगे तक पहुँचाए, सब टीचरों को भी बधाई दे। जी यार, निश्चित रूप से गर्व होता है, गर्व की अनुभूति हो रही है। मेरा उसके लिए एक ही संदेश रहता था कि इंटेलिजेंट मे बी फेलियर समटाइम्स बट डिलीजेंट नेवर फेल, और उसने उसको चरितार्थ करने की कोशिश की है। माँ शारदे से प्रार्थना रहेगी कि उस पर कृपा बनाए रखें और विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई, आपके सतत परिश्रम निष्ठा से ही ये मुकाम हासिल हुआ है। उत्तराखंड रामनगर बोर्ड में रुद्रप्रयाग जिले में भले ही प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राओं का दबदबा रहा हो, लेकिन एक बार फिर सरकारी स्कूल फिसलती ही साबित हुए। इस बार किसी भी सरकारी स्कूल से एक छात्र भी मेरिट सूची में स्थान प्राप्त नहीं कर सका। इससे सरकारी स्कूलों के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग से प्रदीप सेमवाल की रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। तो
रुड़की के नाड़सन में जमीनी विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 60 साल पहले कॉलेज को दान में दी गई जमीन को चीनी मिल अपना मालिकाना हक जताकर कब्जाना चाहता है। तहसील प्रशासन भी मिल प्रबंधन का साथ दे रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। जबकि जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो कॉलेज के खेल के मैदान पर कब्जे को लेकर क्षेत्र के लोगों में भी भारी रोष देखा गया। साल पहले जो जमीन दी गई, किसी सब शिक्षा संस्थान यहाँ से खुल गया, डिग्री कॉलेज है यहाँ से, तो ये तो बहुत बेहुद्दी हरकत है और इसको तो बड़ा नुकसान हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। जो इस तरह के बच्चों का भविष्य, कितने बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर गए और शिक्षा ग्रहण कर रहे। तो हमें उनको बताया गया था कि हमारे पास सभी साक्ष्य हैं और हमने अदालत में केस डाल दिया, तो हम ही सभी साक्ष्य, क्योंकि अदालत में हमारे केस जल चुका है, तो हम सारे साक्ष्य वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। और आप हमारे से अगर चाहते हैं कि तो हम आपको वो भी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन एक तरीके से इतना बता देने के बाद कि भाई न्यायालय में मुकदमा है, 21 तारीख में नोटिस देते हैं, 23 तारीख में आकर के हमें यहाँ पर खुदाई और नाप कर देते हैं। और इससे पहले उन्होंने एक तारीख रखी थी सोमवार की, उसमें प्रशासन खुद नहीं आया, हम यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे। जीएसटी को लागू हुए एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी जागरूकता के अभाव के कारण लोगों में जीएसटी को लेकर कई परेशानियां बनी हुई हैं। हरिद्वार के एक निजी होटल में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की हरिद्वार ब्रांच के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी एक्ट से संबंधित कई समस्याओं, उनके निराकरण और जीएसटी के लाभ के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। हरिद्वार ब्रांच चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसकी, और इसमें जो शिरकत कर रहे हैं हमारे सेंट्रल इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं, मिश्रा जी, और मैं यहाँ हरिद्वार ब्रांच का चेयरमैन, ये मिलकर के हम इसको आयोजित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य हमारे सीए मेंबर्स में और आम पब्लिक में जीएसटी के बारे में प्रचार किया है पिछली साल में, वो है हल्द्वानी। तो कुल मिलाकर 3 ब्रांचेज हैं और हरिद्वार ब्रांच हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि एक इंटरनेशनल सिटी हरिद्वार है और यहाँ पर आज इनकम टैक्स और जीएसटी के ऊपर एक ये सेमिनार रखा गया है। तो इस सेमिनार का उद्देश्य बेसिकली जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु हैं उनको जो नए अपडेट्स होते हैं उनको। कनखल थाना पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की संयुक्त टीम को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब थाना क्षेत्र के ही विष्णु गार्डन कॉलोनी के किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। मौके से 3 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। कनखल थाना प्रभारी के अनुसार पहले भी कई बार सूचना मिल रही थी कि उक्त क्षेत्र में अनैतिक कार्य किया जा रहा है, तो एक बड़ी सफलता यहाँ पे पुलिस को हाथ लगी है। ये विष्णु गार्डन से जो है, विष्णु गार्डन में देह व्यापार का धंधा चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे जो SOG इंचार्ज प्रदीप बिष्ट को ये सूचना प्राप्त हुई थी और उन्होंने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम बुला करके विष्णु गार्डन से। वही ज्वालापुर कोतवाली पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। IPL में सट्टा लगाने वाली एक महिला समेत 4 युवकों को पुलिस ने एक होटल के कमरे से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 19,000 रुपए की नकदी, लैपटॉप, पेन ड्राइव और 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वही सट्टे का मास्टर माइंड फरार बताया जा रहा है, फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। कहाँ से पकड़ा पुलिस ने तुम्हें? जेंगिस पार्क। क्या कर रहे तुम वहाँ? मैच कर रहे थे। हाँ जी, मैच कर रहे थे। मैच मैच खेल रहे थे? कर रहे थे। अच्छा, कब से करते आ रहे तुम ये काम? मैं तो लिखने वाला था, जो थे प्रॉपर हो तो बाकी गए थे। ये कल रात चौकी, रेल चौकी प्रभारी को सूचना मिली थी कि होटल गंगेश पार्क में कुछ लोग IPL में सट्टेबाजी कर रहे हैं। इस सूचना पर इनके साथ सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ हेमकुंड साहिब के साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। करीब 8,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड सरोवर में स्नान कर गुरुद्वारे में मत्था टेका। दूसरी ओर लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में भी पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। 25 मई तड़के पंच प्यारों की अगुवाई में हजारों श्रद्धालु गुरु के जयकारे लगाते हुए हेमकुंड साहिब के बेस कैंप चांगरिया से रवाना हुए। करीब 2 घंटे का सफर तय कर जत्था हेमकुंड पहुंचा। ठीक 10 बजे गुरुद्वारे के कपाट खोलकर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को
संत खंड से बाहर लाकर दरबार साहिब में सुखासन पर विराजमान किया गया। सभी को मेरी सत श्री अकाल। और जो हमारे दसम गुरु हुए ना श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनका ये पवित्र स्थान है, जो पूरे पंजाब क्या यूपी से और दिल्ली से काफ़ी जगहों से लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, बल्कि कि बाहर से भी आते हैं लोग फॉरेन कंट्री से। तो यहाँ सुविधा की कोई कमी नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट भी हमें अच्छी मतलब सुविधा देती है, मतलब सहायता देती है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब की यात्रा प्रारंभ हो गई है। सुबह 9:45 पर पाठ खोले गए हैं, उसके बाद शब्द कीर्तन चल रहा है। अभी सुखमनी साहब के पाठ पहले हो गए हैं। इस समय से सभी संगत बड़े आराम से ऊपर पहुंच रही है, क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे बन गए हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।